हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगस। और आप सभी को तो पता ही होगा कि अगले एपिसोड में क्या हुआ था। हम जब यहाँ मतलब वेगस में आए थे तो अपने पास ना थी कोई इज्जत, ना थी कोई पैसा, ना ही लोग हमें पहचानते थे। और तब हमने ज्वाइन किया फ्रैंक की टीम को। नहीं, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल टीम नहीं, ये एक माफिया गैंग है। और हमने यही गैंग ज्वाइन किया था इस ख्वाब में कि हम लोगों का भी बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारा सम्मान होगा सिटी में। लेकिन सम्मान तो दूर की बात है, उल्टा फ्रैंक के साथ हमारी दुश्मनी अलग से हो गई। और फिर हमारी मुलाकात हुई ग्रैंड माँ वीरा से। अब आप लोग पूछोगे कि मैं उसे ग्रैंड माँ क्यों बुला रहा हूँ, तो वो मुझे को किट किट कह कर बुलाती है। हाँ यार, जैसे उनकी उम्र 30 से 32 तो होगी। हाँ, लेकिन वीरा के सामने तो बच्चा ही है। और इस वीरा ने हमें फ्रैंकलिन के सामने से भागने में मदद किया। और फिर रास्ते में हम लोगों को पुलिस पकड़ी, फिर पुलिस से बचना हुआ। और फिर जाके आखिर में हम लोग पहुँचे वीरा के सीक्रेट हाइड आउट पर, जहाँ पर हम लोग कुछ दिनों के लिए सेफ हैं। और फिर जाके हम लोगों ने ई मैन का एक छोटा सा काम किया। और ई मैन भी एक वीरा का ही एक आदमी है, जिसका एक सीक्रेट फॉर्मूला एक बच्चे ने चुरा लिया था। और हम लोग उस बच्चे के पास गए और सब बहुत मारा। और फिर आखिर में जब ई मैन हमें थैंक यू बोलने आया, तब उसने एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मुझे बताया जिसका मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। उसने बताया कि वीरा और फ्रैंक एकदम पहले से आपस में मिले हुए थे। तब मैंने पूछा कि इसका मतलब वीरा मुझे धोखा दे रही थी। तब उसने बताया कि देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये सब में मुझे मत घसीटो। तो आज मुझे यही देखना है कि क्या वीरा मुझे सचमुच में धोखा दे रही थी। लेकिन अभी के लिए ये मैं कहाँ पर आ गया, मैं तो देखा ही नहीं। एक सेकेंड रुको यार, डिफीट ऑल ओपोनेंट्स इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। क्यों है? हाँ क्यों, इन लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है और मैंने भी इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं इन्हें मारूँ क्यों? आ जा ये ले। हाँ ओके, मुझे नहीं पता मैं इन लोगों को मार क्यों रहा हूँ, लेकिन ये लोग आते जा रहे हैं और मैं इन्हें पीटते जा रहा हूँ। पीछे से वार करता है डरपोक, सामने से ओके, वेव टू कंप्लीट। अब शायद लास्ट वेव आ रहा है और वो आ गया। सारे के सारे मुंह के ऊपर लैंड हो रहे हैं। अरे रेंज लेके आ गया ये पीछे पीछे। हाँ आ जा। अरे रेंज वाला तो एक ही बार में ढेर हो गया, तू आ जा पहले। ये ले, अब इस रेंज वाले को बड़ा फ्लाइंग शॉट मारेगा। अरे काय का अमेजिंग, क्या हो रहा था वो समझने के पहले ही वो खत्म हो गया। और पता नहीं फोन से कौन अमेजिंग बोल रहा था, पता नहीं क्या था, शायद छोटा सा मैच था जो कि हमने मॉब कॉम्बैट के नाम का कुछ खेला था। खेलने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे, नहीं मुझे फिर से नहीं खेलना। ऑलराइट, तो अभी मैं आ चुका हूँ फिर से वेगस में। मतलब वेगस में ही था लेकिन अभी मैं अपने लोकल एरिया में आ चुका हूँ। और ये देखो, यहाँ पर आते ही फ़ोन में नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन। आप जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया या फिर बाद में करोगे, सब लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे कि जब भी मैं अपना वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को ठग से मालूम हो जाए और आप लोग आके ठग से वीडियो देख लो। लेकिन आज क्यों पता नहीं हर जगह पे एक लाल सा डॉट दिख रहा है। क्या मुझे वहाँ पर जाके कोई मिशन मिलेगा? खैर वो तो जाके ही पता चलेगा। तो जल्दी से रोड क्रॉस करता है लेकिन थोड़ा साइड में, क्या पता है वहाँ पर जाने से पहले गाड़ी से ठुक जाए। क्या बोला मोटर ने? वैसे मैंने सुना नहीं। खैर छोड़ो, यहाँ पर मार कर रहे हैं, यहाँ पर जाके देखते हैं। लेकिन ये तो एक पार्किंग है ना, और उधर जाए क्या? अरे बैठना नहीं था यार, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर टाप के ही जाना होगा। ओके तो मैं अभी यहाँ पर टाप के आ चुका हूँ और यहाँ पर आते ही मुझे मिल चुका है डेडपूल का स्कूटर। अब तो मैं यही चलाऊँगा, डेफिनेटली मैं यही चलाऊँगा। लेकिन इसे मैं बाहर निकालूँ कैसे, क्योंकि पार्किंग तो बंद है। क्या पता पहले गाड़ी तो सीधा कर लूँ मैं। और ये निकला मैं स्कूटर लेके रास्ते पर, जहाँ पर मैं तोड़ाया पार्किंग का फेंस। क्या बात है, और अभी जल्दी से पहुँचते वो लाल वाले मार्किंग पे। अरे अंधे बस वाले, बच गया। अरे यार सारे के सारे यहाँ पर हेवी ड्राइवर है क्या? ये लो यार, बस वाले अंधे हैं क्या?
कोई भी गाड़ी को ठोक देते हैं, और अभी भी तो मैं ठुकते ठुकते बचा। लेकिन अब थोड़ा साइड चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा रॉन्ग वे आ चुका हूँ। और हाँ, देख के कोई धक्का मत देना, कोई धक्का मत देना, 1 करोड़ रुपए का स्कूटर है, 1 करोड़ चाहिए ना। हाँ अभी धीरे से घुमा लेते, लो फिर भी धक्का खाई गया क्या, अभी चलते हैं। और अभी तो मैं बहुत दूर, पागल है क्या? हाँ तो अभी तो मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारा रास्ता बाकी है। खैर मैं तो क्रॉप कर दूंगा आप लोग, मतलब सच्ची में इस शहर के सारे लोग अंधे हैं। मतलब स्कूटर लेकर निकलो यार, सारे के सारे मिलकर ठोक दोगे मुझे यार, तब से कोई ना कोई ठुके ही जा रहा है। हाँ अले तू भी ठोक ले, ठोक ले ठोक ले ठोक ले, मैं खड़ा हूँ। पागल सारे के सारे, अब पता नहीं है कितने अरबों साल बाद मैं वहाँ पर जाके पहुँचूंगा। अरे अलग मैंने भी ठोक दिया, पुलिस वाले ने मुझे भी ठोक दिया यार, आज का दिन ही पूरा बेकार है क्या यार। पुलिस वालों के गाड़ी में गलती से ठोक दिया, और 1 स्टार पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। वो बस वालों को पकड़ो ना जो लोग हमेशा ठोकते हैं, और वो गाड़ी वाले को उसने मुझे ठोका था यार। इन पुलिस वालों का कोई काम धंधा नहीं है यार, हमेशा गलत बंदों को पकड़ना है इन लोगों को। अरे भाई बस वाला तुम्हारा मामा लगता है क्या, उसे जाके पकड़ो। ओके तो फाइनली अभी मैं पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे मिशन ओके तो अभी शायद से मैं मिलने वाले। फाइनली पहुंचने वाला आप लोग देख पा रहे हो कि अभी तक बैटल पे मेरे, अरे ये लो, अरे सातवीं बार ठुक गया यार, अब से मैं स्कूटर लेकर निकलूंगा ही नहीं। ओके तो उधर से अभी ऐसे, ओके तो अभी बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। एक सेकंड, किल रेट, वेव्स, टाइमर। भाई मेरा पोपड़ हो गया, मैं यहाँ पर कितनी उम्मीद से आया था कि यहाँ पर मुझे एक मिशन करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वही मैच हो रहा है और सबके हाथ में एक पिस्तौल है। हाँ शर्म नहीं आती है, मेरे पास एक बैट है, इन लोगों के पास पिस्तौल से सारे मार रहे हैं मुझे, बेशर्म कहीं को। आजा तू आजा, ये ले ये ले ये ले, अब भागो भागो भागो, मेरा हेल्थ बहुत ही कम हो चुका है। ये सर्कल के बाहर जाकर कुछ देर रिवाइव होकर आता हूँ। ओके यहाँ पर सबके पास एक से एक बढ़िया बंदूक है, और मेरे पास क्या एक लकड़ी का बैट, इससे क्या मैं ऐसा छक्का मारूंगा। खैर अगर इतना दूर आया हूँ तो इसे पेल के ही जाऊँगा। रुक, अब बोल अब बोल, बहुत बंदूक चला रहा था, अब बोल। तो वेव 1 खत्म, अभी शायद हाँ एक और वेव आ गया, रुक। ऑल राइट, अरे और कौन मर रहा है? नहीं नहीं नहीं, अरे मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं, मर गया मैं, मरूंगा मैं, मरूंगा 200%। लो ओके तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ वेरा के सीक्रेट हाइड आउट पे। अरे आप लोग पूछ रहे हैं कि मैं फिर से वहाँ पर क्यों नहीं गया मैच पे। नहीं यार मुझे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर सबके पास एक से एक बढ़िया बंदूक है, मेरे पास तो एक ढंग का बंदूक भी नहीं है, एक बल्ले से कितना लोगों को मारूंगा मैं। ओके तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं 2 रुपये की लड़ाई में गया, अपने 5 रुपये लुटवा के आ गया। हाँ यही होगा मॉरल ऑफ द स्टोरी। फिलहाल के लिए ये सब छोड़ते हैं, और वीरा ने मुझे अपने पास बुलाया है, क्या पता वो क्या बोलने वाली है। खैर अभी चलते हैं वीरा के पास। ओके तो अभी मेरी वीरा के साथ सारी की सारी बातचीत हो चुकी है, और अभी मुझे अपने आप को मारने का दिल हो रहा है, क्योंकि ईमैन ने मुझे बताया था कि वीरा और फ्रैंकलिन दोनों आपस में मिले हुए हैं। लेकिन वीरा के सामने जाते ही इस गंजे ने बोला कि तुम और फ्रैंकलिन तो एकदम पहले से दुश्मन हो, तो तुम मेरी मदद कैसे करोगे, अब बताओ कोई मतलब होता है इस चीज़ का। और फिर वीरा ने मुझे बोला कि देखो पैसा ऐसी चीज़ है जिससे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और फिर वीरा ने बोला कि ऐसे बेकार की बातें छोड़ो, मेरा कुछ ज़रूरी सामान कुछ लोगों के पास अटका हुआ है, तुम वो जाके लेके आओ। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब यहाँ पर वन टाइम है वसूली करना है हम लोगों को, और अभी हम लोगों को पहुँचना भी है इस येलो वाले डॉट में, मतलब पास में ही, जल्दी से पहुँचते हैं इस येलो वाले डॉट में। और हाँ मैं जेसन को बोलना चाहता हूँ कि देख मुझे पता है वीरा के सामने आते तू डरपोक बन जाता है यार, तो इतना भी मत डरपोक बन जाए, पूरा डायलॉग ही चेंज कर दिया इसने। खैर ओके तो ये रहा मैं, जो कि बहुत आराम से चल रहा था।
There's like a bunch of guys here. What? Ah, must have gotten a tip-off. You gotta get that money. But the last thing we want is unwanted attention. No bang bang is what I'm saying. You get me? Yeah, I gotcha. Hey! There he is! Take him down! I gotta go. Oh. मुझे लगता है एक सेकंड बीटा एवरीवन अभी तो वियना बोला कि कोई कोई मारा मारी नहीं लेकिन उसने तो बोला था नो बैंग बैंग आ जा हाथ से तो मार ही सकता हूँ ये ले और ले गंजे हाँ हाँ मालूम है अपने पुराने जगह पर जाना होगा वरना ये फाइट भी कैंसिल हो जाएगी उल्टा क्या मतलब अरे मार यार तो मुझे लगता है कि सारे के सारे खत्म हो चुके नहीं आजा मोटे तू भी आजा ये पड़ा एक मुक्का और ये खत्म और ये पड़ा रहा वीरा का सीक्रेट सामान जो कि मैंने ले लिया okay, got the package. Okay, तो मुझे लगता है कि अपना काम हो चुका है These guys knew who I was. They mentioned Frank. Nah, the arrangement I got with Frank involves him staying out of downtown. This associate of yours, how tight are you? You saying this was a setup? I don't know, but these guys were expecting me. All due respect, man. You gonna be able to help me out or not? Kid, you're on Frank Villano's bad side. If I can't help you out, no one can. ओके तो फाइनली वीरा के साथ मेरी फ़ोन पे ओके तो अभी एक और कॉल आ रहा है उसे पकड़ते हैं ओके तो गाइस अभी मेरे पास दो चीज़ें हैं सुनाने के लिए एक है गुड न्यूज़ और एक है बैड न्यूज़ तो पहले मैं बैड न्यूज़ से सुना देता जब फ्रैंकलिन ने वीरा का कॉल लगाया था तब इसने बोला था कि ये फ्रैंकलिन का एक सेटअप हो सकता है कि जेसन को पकड़ने के लिए और फिर वीरा ने बोला क्या तुम सच कह रहे हो तो जेसन ने बोला हाँ मुझे शायद ऐसा लगता है और फिर जेसन ने फिर से एक ही चीज़ पूछा कि अरे अम्मा क्या तू मेरी मदद कर भी सकती है फिर नहीं तब वीरा ने बोला देखो बच्चे तुम ओके तो गाइस गुड न्यूज़ के दुश्मनी मोड़ ले चुके हो और अगर इस दुनिया में कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो तेरे पास मैं ही हूँ वरना और कोई भी नहीं बचा सकता और आप लोगों को पता है कि अभी किसने मुझे कॉल किया अभी कॉल किया था वही लेकिन ये देखिए बैड न्यूज़ ने अब आते हैं अपना गुड न्यूज़ वीरा का कॉल करने के बाद ही मुझे ईमैन का एक कॉल आया था और तब उसने बोला कि यहाँ पर पासी में ही एक अंडरग्राउंड रेसिंग टूर्नामेंट भी और जो कि यहाँ पर पासी में ही दो दिनों में शुरू होने वाला है ईमैन ने तो अपना नाम उस टूर्नामेंट में दे भी दिया और फिर वो जाके मुझे कॉल कर रहे कि क्या तुम भी इस रेस में जाना चाहते हो और मैंने तो हाँ बोल दिया चलो यार कुछ तो अच्छा था ये सिटी में यार आज का दिन तो पूरा बेकार था एक स्कूटर लेकर निकला था और वो भी रास्ते में 10-11 बार ठुक गई और फिर जाके जहाँ पर पहुँचा वहाँ पर तो उल्टा सीधा मैच हो रहे थे और वहाँ पर भी मैं अपनी पिटवा के आ गया लेकिन अभी वक्त है अपने आप को साबित करना लेकिन आज के दिन नहीं आज के दिन बहुत हो गया आज अपनी बहुत बेइज्जती हो गई और मैं बेइज्जती आज के दिन करवाना नहीं चाहता और हाँ जो रेसिंग टूर्नामेंट है वो मैं अगले वाली वीडियो में करूँगा तो आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक देना अगर चैनल पे ज़रूर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर ही देना और हाँ मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय